चैनल एंड हमारा फूड एक्सप्लोरेशन हमें फाइनली लेके आया है गोवा. सो आप देख सकते हैं मेरे एक्चुअली साइड में जो व्यू है यहाँ पे सो ब्यूटीफुल. एंड इसके साथ हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ अमेजिंग एंड एक्साइटिंग फूड जो कि होने वाला है प्योर गोवन क्यूजींस एंड अलॉन्ग विद दैट सम ऑफ द वेरी फेमस रेस्टोरेंट जो यहाँ पे है. तो हमारा ये फुल गोवा सीरीज बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है विद लॉट ऑफ फूड ईट. एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड डेफिनेटली आप कॉमेंट करके हमको बताइए कि आपको यहाँ पे गोवा में कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो आपको पसंद है. हमारा ये फूड टूर स्टार्ट करने वाले हैं फेमस बीच और फेमस प्लेस बागा से. सो लेट्स चेक आउट कि हम बागा में कौन सा पहला जगह है जहाँ पे हम जाने वाले हैं. सो आज हम आ गए हैं इन्फेंटेरिया विच इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड बेकरी इन नॉर्थ गोवा नियर बागा. एंड दिस प्लेस इज़ मेजरली फेमस फॉर इट्स ऑल द बेकरी आइटम्स एंड ऑल. एंड यहाँ पे आपको लंच डिनर सब कुछ मिल जाएगा. आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. कुछ फेवरेट्स हैं मेरे यहाँ के. सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू ऑर्डर टुडे. सो दीज आर देयर बेकरी आइटम्स जो यहाँ पे इनका मिलता है. अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे. आपको यहाँ का मेन्यू दिख रहा है लाइक दे हैव कॉन्टिनेंटल इटालियन एंड ऑल. एंड ये उनका प्राइस है विच इज़ विच रीजनेबल. लाइक डिपेंड करता है आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं. लाइक फ्यू ऑफ द आइटम्स विच इज़ वेरी फेमस ओवर हियर, अगर आप वो ऑर्डर करें तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्ली बिटवीन 1000 to 1200. एंड अगर आपको कुछ बेकरी आइटम्स एंड ऑल ऑर्डर करना है सो देन इट कुड बी प्रॉब्ली बिटवीन 600 to 700, नॉट मोर देन दैट. So they also serve very good breakfast and all, which is also famous over here, and a lot of like shakes and all जो यहाँ पे अवेलेबल है. सो हम देखते हैं यहाँ से क्या ऑर्डर करने वाले हैं एंड देन फिर हम आपको बताएं. ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ आइटम्स जो ऑर्डर किए हैं. सो दिस इज़ दी हैम क्रीची, दिस इज़ दी चिकन क्रॉसेंट. यहाँ पे मैंने एक डिज़र्ट ऑर्डर किया है विच इज़ ट्रिपल चॉकलेट शॉकर. आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस. मैंने ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया है यहाँ पे. And definitely cappuccino जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है. स्टार्ट विद द कॉफ़ी बिकॉज कॉफ़ी आ गया है, ये ठंडा हो जाएगा. सो मुझे ठंडा कॉफ़ी नहीं पीना है. चलो टू स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. डेफिनेटली लाइक कॉफ़ी तो कॉफ़ी होता है, देर इज़ नो मच डिफरेंस. बट डेफिनेटली आपको कहीं कहीं का कॉफ़ी अच्छा लगता है. मुझे इन्फेंटेरिया की कॉफ़ी बहुत पसंद है. तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ मैं डेफिनेटली ये ऑर्डर करती हूँ. जस्ट माई फेवरेट कैफे. जब तक मैं ये कॉफ़ी फिनिश करती हूँ मैं आपको बाकी आइटम्स खा के बताती हूँ कि वो कैसे टेस्ट करते हैं. सो अब मैं ये चिकन क्रॉसिंग ट्राई करने वाली हूँ. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू द लेयर्स आपको जो यहाँ पे दिखेंगे. लाइक सो मेनी लेयर्स एंड इसके अंदर चिकन एक्चुअली है. आई कैन सी अनियंस दो बट डेफिनेटली इसके अंदर चिकन है. सो मैं कट आउट नाउ आई वांट टू शो यू. मुझे यहाँ पे मिर्च मिल गया. सो आई कैन सी लाइक देयर आर पीसेज ऑफ चिकन ओवर हियर. मैं यहाँ पे अपने थर्ड आइटम पे आ गई हूँ विच इज़ दी हैम एंड चीज़ मिर्ची. एंड
आप देखिए लाइक उसके ऊपर डेफिनेटली आई कैन सी द चीज मेल्टेड एंड अब मैं देखती हूँ हैम कहाँ पे, सो मैं इसको तोड़ने वाली हूँ. सॉरी आई नो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मेस बट मुझे देखना है हैम कहाँ पे है. ओके सो आई कैन सी लाइक देयर आर वेजिटेबल्स एंड ऑल इनसाइड, ऊपर में चीज है एंड डेफिनेटली आई एम एबल टू सी पीसेस ऑफ हैम इनसाइड इट. मुझे ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, लाइक मेरे मुँह में पानी आ रहा है, बस मुझे खाना है. आपको सबसे पहले जो फ्लेवर आएगा ना वो आपको चीज़ का आएगा, उसके बाद आपको इसके अंदर में वेजिटेबल्स एंड जो हैम है उसका आने वाला है. एंड डेफिनेटली देयर इज अनदर टेस्ट जो इसका क्रस्ट ऐड कर रहा है. दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली मस्ट ट्राई आइटम ओवर हियर. लाइक अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं फॉर लिटिल लाइटर काइंड ऑफ यू नो स्नैक्स एंड ऑल, डेफिनेटली आप कुछ आइटम्स जो यहाँ पे है वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. एंड दिस हैम एंड चीज कुलची शुड बी वन ऑफ द आइटम इन योर टेबल. ओके सो अब मैं आ गई अपने डेजर्ट पे. रियली एक्साइटेड टू टेस्ट दिस सन ड्राई डिश. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइंग दिस व्हिच इज द ट्रिपल चॉकलेट शक्कर. जनरली जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ आई ट्राई देयर जैम टार्ट लेमन टार्ट एंड वन ऑफ द वेरी फेमस डेजर्ट इज बिबिंका विद आइसक्रीम, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो अवेलेबल नहीं है. सो मैं ये नया डिश और नया डेजर्ट उनका ट्राई कर रही हूँ. डेफिनेटली जब तक मैं गोवा में हूँ एक बार तो मैं वो सारे आइटम्स आगे यहाँ पर ट्राई करने वाली हूँ. सो लेट मी टेस्ट दिस फर्स्ट एंड लेट मी टेल यू हाउ डज इट टेस्ट. आई कैन सी अ लेयर ऑफ वनीला क्रीम ऊपर में. एक्चुअली वो ये फुल ग्लास खा के भी ऐसा नहीं लगेगा आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है कुछ, बिकॉज ये बहुत ही बैलेंस्ड इसका मीठा है एंड आई रियली लाइक इट. लाइक देयर इज अ थ्री लेयर आई कैन सी, आपको देख सकता है पहला इज द क्रीमी लेयर, सेकेंड इज द लाइट लेयर ऑफ चॉकलेट एंड थर्ड इज़ द डार्क लेयर ऑफ चॉकलेट जो होता है, विच आई कैन ऑल्सो सी हियर अगर आपको दिख रहा होगा मेरे ग्लास पे. Let me just try this. फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे. हम आज आ गए हैं गोवा में हमारे सेकेंड स्टॉप पे. सो आई एम गोइंग टू शो यू वेयर इट इज एंड डेफिनेटली इट्स इन कलंगुट. बट बिफोर दैट डेफिनेटली अगर आप घूमने आ रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं सो मेक श्योर दैट योर सेफ्टी इज़ फर्स्ट. सो मेक श्योर कि आप अपना मास्क हमेशा पहने रहें एंड बी सेफ बिकॉज वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ दी पेंडेमिक दैट वी हैव बीन गोइंग थ्रू. सो लेट्स सी अभी हम लोग कहाँ आए हैं. बहुत ही छोटा सा स्टॉप है एंड ये एक्चुअली महिला मंडल कैंटीन है यहाँ पे. And these this particular canteen is being run by the Mahila Mandal, you know, group here. So hum yahan pe explore karne wale hain yahan ka vada pav aur chai and along with that mirchi pav. Yahan ka vada pav maine suna hai bahut acha hai and bahut bheed rehta hai. So this is just opposite to Leh Meridian and Puma and Levi's ka showroom in Kalangut. So let's see how does it taste. हाँ जी एक वड़ा पाव देना, एक मिर्ची पाव और एक चाय. अंडी कितने साल से यहाँ पे आप लोग की कैंटीन चला रहे हैं? पाँच साल हो गया. अच्छा तो मतलब आप लोग दोनों मिलके चलाते हैं या फिर आप लोग का एक ग्रुप है? पूरा महिला मंडल पूरे गोवा में ये है या फिर मतलब जगह जगह पे आप लोगों ने ये सेटअप किया है क्या? अच्छा आपके यहाँ पे क्या क्या आइटम जो सबसे ज्यादा बिकता है? वड़ा पाव, मिर्ची पाव, आलू भजी, चना सब्जी, ऑमलेट पाव, बॉले सब. और कितने बजे से खोलते हैं आप सुबह? सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक. एंड बट सबसे ज्यादा सेलिंग आपका वड़ा पाव, मिर्ची पाव यही सब होता है यहाँ पे.
सो गाइस ये आ गया है हमारा वड़ा पाव एंड ये है हमारा मिर्ची पाव एंड यहाँ पे है हमारा चाय। सो पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ वड़ा पाव कैसे दिखता है। सो मुझे दिख रहा है ये वड़ा विच लुक्स वेरी टेम्पटिंग एंड इसमें एक चटनी दिया गया है लाइक दिस इज़ द वाइट चटनी विच हैज़ बीन गिवन एंड डेफिनेटली इट इज़ अ मिर्ची जो कि वड़ा पाव के साथ जाएगा। यहाँ पे जनरली हमने देखा है कि वड़ा पाव में एक मिर्ची वाला चटनी जाता है या फिर लहसुन का चटनी जाता है बट यहाँ पे वाइट चटनी दिया गया है। सो हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है इसमें एंड जो हम इन जनरल लाइक रेड चटनी वड़ा पाव में जाता है उसमें। एक्चुअली अगर मैं मिर्ची पाव में देखूँ सो इसमें एक्चुअली वो वाला चटनी गया है जो कि लहसुन वाला है एंड वड़ा पाव वाला जो वड़ा पाव में जो है वाइट चटनी। सो यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। सो आई एम गोइंग टू टेस्ट इट नाउ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसा है। पाव तो डेफिनेटली अच्छा होना ही है यहाँ का, देयर इज़ नो डाउट टू इट। बट इसका जो आलू का कॉम्बिनेशन है ना लाइक दैट इज़ अमेजिंग एंड इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। सो डेफिनेटली थम्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर वड़ा पाव ओवर हियर। एंड जनरली मैंने जब भी वड़ा पाव खाया है वो लहसुन की चटनी के साथ या फिर वो रेड चटनी के साथ ही है बट मुझे ये वाइट चटनी के साथ भी अच्छा लग रहा है। सो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ इनका मिर्ची पाव। एक्चुअली अगर आप देखिएगा तो दो मिर्ची दिया गया है इसमें एंड दिस हैज़ दिस ओ एक्चुअली दिस हैज़ दिस वाइट चटनी एंड द रेड चटनी पाउडर एज वेल। आपको एक मैं मिर्ची स्कोर तोड़ के दिखाने वाली थी कैसा है। इट्स एक्चुअली हॉट। अगर आप देखिएगा तो इट्स मिर्ची एंड यहाँ पे ये बेसन का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे है। सो टेस्ट इट मैं एक बार इसको ऐसे ही खा के देखने वाली हूँ कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा तीखा है बट इसमें सीड भी है मिर्ची के या फिर नॉर्मल मतलब तीखा नॉर्मल है वो बेरेबल है। एक्चुअली ओके तो आप सिर्फ खा सकते हैं इसको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको खाने के बाद लगेगा कि आपको गर्म पानी पीना है लाइक इट्स बेरेबल तीखा विच इज़ देयर। तो मैं इसको पाव के साथ टेस्ट करने वाली हूँ। Also one of the item to try over here. अगर आप मुझे बोलेगा तो मुझे वड़ा पाव ज़्यादा बेटर लगा रैदर दैन मैं सोच चुका हूँ तो मेरे लिए तो वड़ा पाव रैदर दैन सोच चुका हूँ। गाइस मैं यहाँ पे अपना चाय और वड़ा पाव ख़त्म करती हूँ एंड मैं फिर आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे।